और मैं हूँ यदि आपके साथ। बीजेपी आला कमान ने सारे पूर्व अनुमानों पर विराम लगा दिया है और विराम लगाते हुए बिहार से मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया। कल तस्वीरें सामने आई जहां उपेंद्र कुशवाहा के साथ मनन कुमार मिश्रा की किस्मत चमकी है और अब वो राज्यसभा जाएंगे। इसके लिए नामांकन करने के लिए नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार के डिप्टी सीएम और तमाम एनडीए घटक दलों के नेता विधानसभा पहुंचे थे। इधर बता दें कि मनन कुमार मिश्रा के नाम की घोषणा होते ही लोग उनके बारे में गूगल पर सर्च करने लगे हैं। और आज के इस खबर में हम आपको मनन कुमार मिश्रा के बारे में जानकारियां देने की कोशिश करेंगे। बता दें कि बिहार से राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव होंगे। एक सीट पहले ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और एनडीए के पार्टनर उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है और एक सीट पिछले दिनों ही आरके सिंह, शहनवाज हुसैन, ऋतुराज सिन्हा, रामकृपाल यादव और संजय पासवान को लेकर चर्चा में थी। लेकिन आखिरकार बिहार के गोपालगंज के रहने वाले मनन कुमार मिश्रा सभी पर भारी पड़ गए। सभी को पछाड़ते हुए उन्होंने राज्यसभा जाने का रास्ता क्लियर कर लिया। बीजेपी ने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि इसकी भनक कल तक किसी को नहीं थी। बिहार बीजेपी में भी कोई नेता नहीं जानता था कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ दूसरा चेहरा कौन होगा। शायद इसी के लिए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी दिल्ली बुलाए गए थे। बता दें कि अब जो राजनीति है उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। बिहार विधानसभा चुनाव होना है, उससे ठीक पहले बिहार बीजेपी ने ऐसे ब्राह्मण चेहरे की तलाश की है जिसकी उपयोगिता आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगी। इस लिहाजे अगर देखिए तो बिहार से दूर दिल्ली में सक्रिय रहने वाले मनन कुमार मिश्रा सब पर भारी पड़े। बीजेपी को बिहार में एक ऐसा बड़ा ब्राह्मण चेहरा चाहिए था जिसका राजनीति करियर लंबा चले और किसी विवाद से उनका नाता ना हो। इस लिहाजे से मनन मिश्रा फिट बैठ रहे थे और यही कारण है कि उनको चुना गया है। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही जाने माने क्रिमिनल लॉयर भी हैं। गोपालगंज और आसपास के जिलों में ब्राह्मण आबादी ठीक ठाक है, इनके फेवर में वोट आएगा ये तो साफ हो गया है। इसी को देखते हुए मनन कुमार मिश्रा ने राज्यसभा की रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, शहनवाज हुसैन और ऋतुराज सिंह को पछाड़ दिया है। बता दें कि बार काउंसिल की राजनीति पिछले कई सालों से कर रहे हैं मनन कुमार मिश्रा। साल 2012 में वे पहली बार बीसीआई के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। बिहार के गोपालगंज जिले के मुख्य निवासी हैं। पहले वो पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग किया करते थे। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिस पर काफी विवाद होने लगा और उस समय भी मनन कुमार मिश्रा ने उन चारों जजों का साथ दिया था। हालांकि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर जब यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था तो उनकी आलोचना हुई, लेकिन वो हिले नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी दो सीटों में से एक सीट जदयू को दे चुकी है। जदयू कोटे से इस बार उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे जाएंगे। बीजेपी ने इसके साथ ही हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य, असम से रामेश्वर तेली, मिशन रंजन दास और महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। कई राज्यों में राज्यसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में बिहार में दो सीटें खाली हुई और इसी को लेकर के कलाशों का बाजार तेज था। लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर कौन वो दो चेहरे होंगे जो एनडीए और बीजेपी, जो भी घटक दल है एनडीए गठबंधन में बिहार में डबल इंजन में, उनकी तरफ से राज्यसभा भेजा जाएगा। और आखिरकार बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है कह सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण कार्ड जो है वो खेला गया है बीजेपी की तरफ और दो चेहरे सामने आए उभर के। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं जो कि पिछड़े समाज से आते हैं और उनको जदयू की तरफ से टिकट दिया जाएगा। राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर के दे दिया गया है, नामांकन हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मनन कुमार मिश्रा का नाम सामने आया जिसको लेकर के कहीं भी चर्चा नहीं थी। दूर दूर तक कोई नहीं जानता था कि आखिर दूसरा व्यक्ति कौन होगा, दूसरा नेता कौन होगा। और अब मनन कुमार मिश्रा बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी क्रिमिनल लॉयर रह चुके हैं, ऐसे में बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में
जो ब्राह्मण कार्ड खेला गया है उससे फायदा जरूर होगा। देखना दिलचस्प होगा कि जो राज्यसभा के दो सीटों पर उपचुनाव होंगे बिहार में, उसमें से एक उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरे मनन कुमार मिश्रा है, तो दोनों में से ज्यादा फायदा एनडीए गठबंधन को कौन नेता देता है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो जरूर करें।